Community Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, लगातार इस समय हम देख रहे हैं एक सोशल मीडिया में एक कोटेशन लगातार चल रहा है, वो है ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, सिर्फ चुनाव लड़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, ये कोटेशन ऐसा है कि जब कोरोना की स्थिति है, कोरोना की ऐसी स्थिति है कि दूसरी लहर एक बार फिर आ चुकी है और लगातार देश में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या चुनावों की जो भीड़ है उससे कोरोना नहीं बढ़ता? यहां तक कि बहुत से व्यंगकार हैं, वो लगातार अपने कार्टून्स के माध्यम से, अपनी कथाओं, अपनी कहानियों के माध्यम से लिख रहे हैं कि अगर आपको कोरोना से दूर जाना है तो आप किसी अपने इलाके में चुनाव करवा लीजिए। तो दोस्तों, ये सोच किस तरह से बदल सकती है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो पैनल मौजूद है, मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा संजय गर्ग जी से। संजय गर्ग जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं स्वर्ण भारत पार्टी के। हमारे साथ शिक्षाविद जितेंद्र सारस्वत जी भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी। आप तीनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आप शिक्षाविद हैं, तो आप बताइए कि हमारे देश में जब कोरोना एक बार दूसरी लहर के रूप में प्रचंड फैल चुका है, लगातार इसके जो संक्रमित लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, यहां तक कि मौत के कगार पर भी जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या देश में चुनाव होना उचित मानते हैं या आप किस तरह लोकतंत्र में जरूरी है ऐसा मानते हैं? दीपक जी, भारत एक ऐसा देश रहा है जिस पर हजारों सालों से आक्रांताओं का आक्रोश रहा, आक्रमण सहन किए भारत ने। भारत ने हजारों सालों तक गुलामी सहन की है, लेकिन ये एक सच है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति को, इसकी जड़ को ये भारत का एक बाल तक बांका नहीं कर सका है कोई देश। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी तरीके के भारी आक्रमण भारत का बाल बांका तक नहीं कर सका है। ये देश जैसा था वैसा का वैसा ही रहा और इस देश ने दिन ब दिन, रातों रात प्रगति की है और लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए कि ये देश कैसे वापस उठ खड़ा हुआ है। आज हम लोग अगर घायल हैं तो अपने लोगों के दिए हुए घावों से। आज हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें हमारे प्रति उदासीन हैं, शिथिल हैं, उनका ऐसा रवैया है, या तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मर रहे हैं, या उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि कोरोना नाम की बीमारी है। ये एक बड़ा ही नकारात्मक और बहुत ही गिरा हुआ स्तर सरकारों का। मुझे जीते ही लगता है कि उन्हें जीतेंद्र जी, दीपक जी, मुझे दीपक जी अलग ही बोलना नहीं चाहता था। दीपक जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बात जी, आलोक जी, मैं आलोक जी, मैं एक बार सबके स्टार्टिंग कमेंट्स ले लूं, उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। मुझे दो मिनट बोलने दे। दीपक जी, मैं पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं विद्यार्थियों से संपर्क रखता हूं, मैं समाज का वो वर्ग हूं जो शायद ये तय करता है कि हमारा कल क्या होगा। मैं हमारे कल को आज में देखता हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पे शर्म करेंगी कि हम किस तरीके से, हमने किन लोगों को चुना और किस तरीके के लोगों ने हम पर शासन किया और हमारी हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें, मैंने वोट दिया जिन लोगों को, आज मैं देख रहा हूं कि उन लोगों को हमारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं उनका जो रवैया है, उनका जो दृष्टिकोण है, मुझे उस पर सवाल है। यहाँ पर मैं बाकी सारी बातों पर बाद में बात करेंगे, शायद जो जड़ है दीपक जी, वो जड़ है, वो रवैया, वो दृष्टिकोण जो इन लोगों का इस बीमारी के खिलाफ है। बिल्कुल, ये दृष्टिकोण जो है वो बदलना जरूरी है। डॉक्टर आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप बताइए क्या इस देश में, जिस तरह की जितेंद्र जी ने बताया कि लोग कोरोना को समझना चाहते हैं लेकिन उसकी जो पालना है वो नहीं करना चाहते, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, जिस विषय पर आज हम जी सब बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो विषय न केवल दीपक गोस्वामी के लिए, आलोक भारद्वाज के लिए या उपस्थित अन्य प्रतिभागी और सत्यजीत के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है जी। तो मैं तो आज के विषय पर, मैं राजनीतिक जो ठीक है, राजनीतिक वैचारिकता मेरी भी है, सबकी होती है, लेकिन मैं उससे ऊपर उठ के ही बात करना चाहूंगा। यह तय करके आया था, लेकिन जब शुरुआत जितेंद्र जी की सुनी तो बोले कि मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ कि शिक्षा कम्युनिटी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ
या तो बीएड करने की बात शिक्षक कम्युनिटी नहीं, शिक्षक सबसे पहली शिक्षक किसी मानव की अगर होती है तो उसकी माँ होती है और उसके बाप होते हैं, है ना। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो शिक्षक ही वही कहलाते हैं। बिल्कुल आलोक जी, इस पर हम डिबेट कर लेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ऐसी परिस्थिति में कोरोना जब भयानक रूप ले चुका है तो क्या ऐसी स्थिति में चुनाव होना जरूरी है? आपने बिल्कुल सही कहा, ना बिल्कुल कोरोना भयानक रूप ले रखा है, सबको पता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आदमी को स्वयं को जो है ना, पहली बात मुझे मेरे लिए सोचना है, आप अपने लिए सोचे, हम सब पहले शुरुआत अपन से करके, अपने परिवार से करके और आगे देखेंगे ना, तभी चेंज जुड़ेगी, ये सब जानते हैं, है ना। अब लेकिन सीधी सी बात है, जीतन जी ने बोलते ही साहब उन्होंने क्या, तो शब्दों में एक चीज होती है, मैं एक चीज कहूंगा आपसे कि शब्द जो है ठीक है बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन शब्द महके तो लगाव और शब्द बहके तो बन जाता है घाव। तो बहकने वाली बात करके ये शिक्षक वाली बात करने की मुझे अच्छा नहीं लगा कि सरकारों पे आरोप, ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है, मैं मना नहीं करता इस बात को, और किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा होगा कि आप जाओ और साहब कोरोना को गले लगाओ, किसी सरकार ने बुलाया, कोई सरकार कोई सी भी हो रही है। आज लोग कह रहे हैं कि साहब चुनावी जैसे आपका विषय है कि चुनावों की रैलियां हो रही है, ये हो रही है, ठीक है मैं मान रहा हूं कि गलत का आपको रखना चाहिए, मास्क लगाने के कई नेता है जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, और उसके लिए मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता, दोनों ही पार्टियों में, सभी पार्टियों में है ना, कुछ लोग बिना मास्क के नजर आते हैं, तो ये उनका निजी दायित्व बनता है कि वो सोचे कि हम राजनीतिक दल से ऊपर पहले मानव हैं। अगर हमारी मानवीयता जिस दिन खत्म हो जाएगी, जब हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कोई याद नहीं आएगा। और ये कोरोना इतनी भयंकर बीमारी है दीपक जी कि हो सकता है आने वाले समय में जयंती बनाने वाले भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये भी सोचना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल, तो लोग इस तरह की बहक रहे हैं ना, उनको देखते हैं कि कभी उनकी जयंती अगर होगी तो जयंती को मनाने वाले, जयंती पर माल्यार्पण करने वाले भी रहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल का बहुत स्वरूप ऊपर वाला। चलिए आलोक जी, अब मैं संजय जी से पहले स्टार्टिंग कमेंट्स लेता हूं, उसके बाद हम हमारी डिबेट को खोलेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। संजय जी, आप क्योंकि खुद एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, आप समाजसेवी भी हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की जो महामारी फैल रही है उस समय चुनाव आवश्यक है या फिर नहीं है? कुछ समय और रुककर भी चुनाव हो सकते थे। देखिए चुनाव तो चुनाव नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घर में जब मौत हो जाती है, घर में कोई डेथ हो जाती है जी, और शादी पहले से रुकी हुई होती है, तैयारी की हुई होती है, तो शादी होती ही है, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि शादी को मुलतवी कर दिया जाए, तो ये एक अलग प्रक्रिया है चुनाव की। मेरा ये 24 मार्च पिछले 2020 का एक कोट था जो मैंने दिया था, फेसबुक पे भी डाला था, कि ये लॉकडाउन वाला जो शगुफा है ये लोगों को गुलाम बनाने का एक तरीका है, लेकिन लोगों को तब समझ में नहीं आया, आज भी समझ में नहीं आ रहा, तो 10 साल बाद भी हो सकता है समझ में नहीं आए। तब भी मेरा एक कोट था कि 1 करोड़ लोग अगर हिंदुस्तान में रोज कोरोना से मरे, 1 करोड़ बहुत बड़ी तादाद हो गई 1 करोड़ तो भी लॉकडाउन करने का सरकार का कोई अधिकार नहीं। कारण क्या है, लिबर्टी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर का दुरुपयोग नहीं, एक सेकंड आलोक जी, संजय जी अपनी बात पूरी करते हैं, बात शुरू करें, उसको अदरवाइज ना मैं ना पर्सनल ने ना मोदी के लिए मैं कह रहा हूँ, ना मैं किसी और पार्टी के लिए कह रहा हूँ, मैं जनरल कंसेप्शन के लिए कह रहा हूँ। लोकतंत्र में जो भी सत्ता में होता है वो पब्लिक की मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसका आईना होता है, पब्लिक की मेंटेलिटी का एक आईना होता है, माइंड सेट का एक आईना होता है। मोदी जी ने वही किया, कोई भी मोदी जी की जगह कोई दूसरा भी होता तो वही करता जो पब्लिक को पसंद आता। उन्होंने पब्लिक की परसेप्शन को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, उन्होंने तुरंत लॉकडाउन किया, बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया, लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया, लोगों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाया। मोदी जी ने जानबूझ करके ये सारा किया, क्योंकि ये ड्रामा जब होता है तभी लोग अंदर से कमजोर होते हैं, समाज जब कमजोर होता है तो सत्ता ताकतवर होती है, बहुत पुराना कहानी है। तो सत्ता जब ताकतवर होती है तो समाज कमजोर हो जाता है, जब समाज कमजोर होगा तो विरोध कहां से जाए। आज आप ये देखिए पूरे देश को उन्होंने लॉकडाउन में डाला, कोई विरोध हुआ? कहीं नहीं हुआ। आज गहलोत साहब पूरे प्रदेश को लॉकडाउन में धकेल रहे हैं, कोई विरोध हुआ? कहीं नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी इतना, समाज इतना कमजोर हो चुका है, सोसाइटी इतनी वीक हो चुकी है कि उसमें विरोध करने की क्षमता नहीं बची है, आर्थिक रूप से खत्म हो चुका है, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई, लोगों के प्रतिष्ठान बंद करवा दिए। सिर्फ खुलाया तो मैंने सबसे पहले दारू की दुकान खुलवाई है, आप सोचिए इस चीज को, सिर्फ शराब की दुकान खुलवाई ताकि उनकी आमदनी हो सके। शिक्षा पे पहले सबसे पहले अंकुश किसका लगाया? शिक्षा पे, स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा में अगर आप शिक्षा को बंद करने का लक्ष्य तो आज से थोड़ी है, 70 साल से चल रहा है। शिक्षा पे कंट्रोल हमारे नेहरू जी ने शुरू किया था, बोला हम पढ़ाएंगे वो पढ़ना पड़ेगा, हम जहां पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना पड़ेगा, हम जो चीज लिख देंगे वही पढ़ना पड़ेगा।
पहले शिक्षा पर नियंत्रण किया ताकि गुलाम बने। लेकिन संजय जी, जब इस तरह की जो कोरोना जैसी बीमारी है, क्या आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति में बच्चों को एक साथ कमरे में 40-50 बच्चों को एक साथ कमरे में रखना कितना सही है? बड़ी बात कही दीपक जी आपने। मैं आपसे पूछता हूं, इस बात को तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी या बच्चा करेगा या पेरेंट्स करेंगे? संजय जी, अगर आप सरकार को नहीं मानते, आप लोकतंत्र को नहीं मानते, तो आपको फिर क्या आपके संवैधानिक जेल में रहने का अधिकार ही नहीं है? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है। अच्छा, आपको लगता है ये लोकतंत्र नहीं है? देश की, इस हिंदुस्तान की 90 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ की आबादी बेवकूफ है। संजय गर्ग ओनली केवल एक आदमी है कि जो जाते हैं, तो आप किसी और ग्रह पे जाके रहिए ना, ले जाइए आप, अगर आपको यही लगता है। आप कैसी बात कर रहे हो? पब्लिक ने डिमांड करी थी क्या मोदी जी से कि आप लॉकडाउन कर दीजिए? नहीं, तो एक बात सुनो, पब्लिक ने देखिए, आपने कहा ना, आपने लेकिन पब्लिक ने कहा रैलियां निकाली, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोरोना क्या भारत के अंदर ही है? कोरोना क्या भारत के अंदर ही है? कोरोना एक वैश्विक महामारी है, हमारे देश बंद कर दीजिए, स्कूल वालों ने कोरोना वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी पूरे पहली लहर आई देश सबसे ऊपर नजर आया था। कैसे आया था? पब्लिक ने डिमांड कब करी आपसे कि हमारे को लॉकडाउन में घर में कैद कर दो? लेकिन संजय जी, संजय जी मेरी बात सुनिए, है यहाँ पर संजय जी मेरा एक सवाल है छोटा सा यहाँ पर, कि जब देश में किसी भी तरह की परिस्थिति खराब होती है, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, चाहे इस तरह की महामारी की स्थिति हो, जब सरकार को चुनकर आम जनता भेजती है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो आम जनता के लिए बेहतर निर्णय ले। सरकार, तो सरकार का काम, मैं यही कह रहा हूँ, सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया था वो उचित है या अनुचित था? सरकार का काम फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, सरकार का काम घरों में कैद करने का तो नहीं है ना। सरकार ने एक साल में एक भी हॉस्पिटल बनवाया हो तो बताइए, वही तो वही स्थिति आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर लोगों को नहीं मिल रहे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है, ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई है, ये सारा संजय जी आप बताइए। संजय जी का ये कहना है कि सरकार ने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, कोई हॉस्पिटल नहीं खोले, सरकार ने किया क्या है? आलोक जी बताइए। देखिए, अब है ना, पहले तो ये संजय जी थोड़ा जल लीजिए, सबसे पहले काम संजय जी थोड़ा जल लीजिए, गले को गीला रखना जरूरी है, आपका भावावेश अपनी जगह पे है, थोड़ा जल पीजिए, मैं भी कुछ कहूँ। दीपक जी मेरा ये मानना है, पहला काम मोदी जी देखिए, आप लोगों का मानना जनता का मानना नहीं है, आपका मानना जनता का मानना, जनता है तो जनता के हिसाब से बात कीजिए। अगर प्लान सेट से आए हैं कि आपको सरकारों की बुराई करनी है, मोदी जी ने निजी क्षेत्र को पाबंद किया कि नहीं? क्या कोरोना से डील नहीं करेंगे? आपसे पूछता हूँ, किया या नहीं किया? सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले संजय जी, आलोक जी को जवाब देने दीजिए, संजय जी आलोक जी को जवाब दीजिए। देखिए साहब, संजय जी सबसे बड़ी बात है कि हर बात के अंदर कह रहे हैं कि मोदी, तो कोरोना जो है वो वैश्विक महामारी है, तो मानते हैं ना मेरी इस बात को? आप नहीं मानते ना वैश्विक महामारी है? देखिए दीपक जी, आप एक भी नहीं है, आपको लग रहा है वैश्विक महामारी नहीं है, देश सुन रहा है, आलोक जी वो बोल रहे हैं जो मोदी जी बोल रहे हैं, आलोक जी सुनो साहब, मोदी जी की पेड मीडिया बोल रहे हैं, आपको तो वो लग रहा है आलोक जी मोदी जी बोल रहे हैं, आपको तो लग रहा है वैश्विक महामारी नहीं है। मेरी बात सुनिए, कोरोना इज ए कॉन्स्पिरेसी एंड लॉकडाउन इज ए क्राइम, इसको समझिए आप, और आज नहीं समझेंगे आपके पास आना चाहूंगा, आप बताइए, आप बताइए। सबसे पहली बात तो दीपक जी, पूर्णतः स्पष्ट शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी को भारत में रोकने के लिए सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार पूर्णतः असफल रही है। जो भी वर्ग आलोक जी की बातें सुन के मुझे बड़ा निराशा हुई, जितेंद्र जी आपको लग रहा है सरकारें असफल है, बीमारी है, कोई बीमारी नहीं होता, एक जन बीमारी ठीक नहीं होती, मेरी बात सुनिए, आपने कहा ना सरकार असफल रही है, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, सरकार असफल रही है, संजय जी आपके पास आऊंगा, आपके लिए सवाल है मेरे पास,
अगर जवाब देंगे तो हमारे जो दर्शक है वो समझ पाएंगे कि संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं, आलोक जी और जितेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, सबकी बातें एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं संजय जितेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले आप अपनी बात रखिए और संजय जी आपके लिए खूब सारे सवाल आम लोग जो इस समय हमारे चैनल पे देख रहे हैं कार्यक्रम, उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल भी भेजे हैं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे तो दो मिनट कहूंगा। जी जितेंद्र जी आप बताइए, अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दें आप, बीच में मैं जब बोल रहे थे तो मैंने आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी मैं बीच में नहीं बोला तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पैनलिस्ट से कि आप भी बीच में न बोले और मेरी बात को पूरा होने दें। दीपक जी इतनी नकारात्मकता है कि जितने भी सेक्टर डंप हो गए हैं कोरोना में, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, रेस्टोरेंट होटल्स हो, हमारी बैंकिंग पूर्णतः खत्म हो चुकी है, हमारी बैंकिंग लायबिलिटीज अभी जो की त्यों बनी हुई है, हम पर ब्याज लग रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज को बैंक्स ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मेरा लोन ये मैं प्रभावी हूं, मेरा शिक्षण संस्थान है जो एक साल से बंद पड़ा है, आलोक जी की स्थिति हो सकती है बहुत सुदृढ़ हो सकता है कि उन्हें इस बीमारी से अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभावित नहीं किया हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हूं। मैं ये साफ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एक छोटा सा प्रयास नहीं किया गया उन सेक्टर्स के लिए, उन वर्गों के लिए जो आज भुखमरी की कगार पर हैं, उनके शिक्षण संस्थानों पर, उनकी दुकानों पर ताले लग चुके हैं, उनके परिवारों का पालन पोषण करना मुश्किल नहीं असंभव है, और आप देखेंगे कि एक डेढ़ महीने में लोग सुसाइड करेंगे, लोग आत्महत्या करेंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा। और आप दीपक जी आप ये बात याद रखिए कि सरकारों के उदासीन और शिथिलतापूर्ण रवैये को ये आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं किसी विशेष पार्टी का मैं कहता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये पूर्णतः असफल रही है, ये इन्हें आप और मैं 2 साल बाद याद रखेंगे इस बात को, 3 साल बाद, कि कैसे सरकारों ने तांडव रचा था, रैलियां की थी और रैलियां करके सेल्फियां खींची थी, लोगों को संबोधित किया था, और उस वक्त जब मौत दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पर आप कैसे रैलियां कर सकते हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो सेक्टर्स डंप कर गए, क्या सरकार रैलियां नहीं करके उस समय में ये रणनीति भी बना सकती थी कि इन सेक्टर्स को कैसे उभारा जाए? देश में अभी रोजगार नहीं ला सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं कोरोना से, उनको कैसे उभारा जाए? क्या इसलिए क्या रणनीति है सरकार के खिलाफ में? मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूं, आप बंद कर दीजिए, आप मेरे को यह कह दीजिए कि दो महीने बाद में, 3 महीने बाद में आपका काम सुचारू रूप से चलेगा, अगर नहीं चलेगा तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे, मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं, कदम नहीं रखूंगा। लेकिन क्या सरकार के पास में कोई रणनीति है? सरकार के पास कोरोना से बचाव की या लॉकडाउन की कोई ऐसी तैयारी है जिससे कि आम जनता घर में बैठी रहे और सरकार उनको मदद करती रहे? संजय जी आपके लिए महाराष्ट्र पुणे से ये संदेश है सुरेश कुमार खंडेला जी का। सुरेश कुमार खंडेला जी ये जानना चाह रहे हैं कि जहां एक तरफ पूरा देश और दुनिया COVID-19 से जूझ रही है, वहीं संजय जी का ये मानना है कि कोरोना की तरह की कोई बीमारी ही नहीं है, तो आखिर वो क्या वैज्ञानिक है, क्या है वो? जी जवाब दीजिए। अब मेरे को अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दीजिए। जी 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 बोलिए। एक भी साइंटिस्ट, एक भी महामारी विशेषज्ञ दुनिया भर का, मैं सैकड़ों को सुना हुआ हूँ, सैकड़ों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके वीडियो मैंने सुने हुए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, एक या दो को छोड़ करके, जो WHO और जो कॉन्स्पिरेसी के जो वो है लोग, उन्होंने उनको हायर किया और कोरोना को एक महामारी के रूप में घोषित किया। ठीक है, ये एक बीमारी है, जैसे खांसी होती है, जुकाम होता है, निमोनिया होता है, इस तरह की एक बीमारी है, ये वायरस वाला बीमारी है, इसको इतना बड़ा चढ़ा करके उसने प्रेजेंट किया इस कॉन्स्पिरेटर्स ने कि आलोक जी आप दोबारा वो सवाल कर देना, पहले संजय जी को अपनी बात पूरी कर। मेरी बात मैंने जी सैकड़ों जो है जो स्थापित जो डॉक्टर्स हैं, स्थापित एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड क्लास, उनको मैंने सुना है, उन्होंने सिरे से इसको महामारी के वैश्विक महामारी के रूप में नकारा है, पहली चीज, उन्होंने इसकी गंभीरता को भी नकारा है। दूसरी चीज,
जब आपने अगर सांप आपको किसी चीज से चोट हो गई और सांप आपके बगल से निकल जाएगा तो दहशत में मौत हो जाती है। ये किस्सा तो आप सुने होंगे सारे सुने। जब आपके ऊपर इतनी दहशत आपने आपके ऊपर डाल दी और उसमें भी क्या इनका षड्यंत्र देखिए, पहले दिन से षड्यंत्र देखिए, मोदी जी ने क्या कहा कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना का इलाज नहीं करेंगे। क्यों भाई, वो डॉक्टर नहीं है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, उनकी फैसिलिटी नहीं है। निजी हॉस्पिटल में कोई कोरोना के पेशेंट को नहीं देखेगा। आप समझिए उनका उनका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य ये था कि हर आदमी जाएगा तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। संजय जी आपका कहना है मोदी जी का जो ये षड्यंत्र है क्या पूरे हाँ। विश्व में मोदी जी ने ही षड्यंत्र रचाया है? मुझे बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं, अपन बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में कोरोना का क्या है, वर्ल्ड की हर कंट्री का सिस्टम अलग है। मैं ऐसी कंट्रीज का नाम बता देता हूँ जहाँ कोरोना ने कुछ बिगाड़ा नहीं उनका। आप स्वीडन का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते, आप स्वीडन का एग्जाम्पल दीजिए। फिर मैं आपको रोक फिर कोरोना से जो गुजरा जो गुजरा मुझे नहीं लगता कि आपने कोरोना देखा है और बच्चे किसी निजी व्यक्ति ने कोरोना देखा है। जो कोरोना से गुजरे उनसे पूछो कोरोना क्या होता है, पलायन करते टाइम इन्होंने बसे बंद कर दी। जो गुजरा है ना उससे पूछो कोरोना क्या होता है, मजदूरों को इन्होंने कईयों की मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी बहुत बड़े जब आप जैसे लोग जी अलग जी आपको सवाल करना चाह रहे हैं। मोदी जी की राजनीति में कोई कमी नहीं है, इनकी नियत में खोट है, नियत में खोट है, ये नियत का जी अलाउ कर दीपक जी बात कर लीजिए। दीपक जी मैं एक चीज देर से सुन रहा था जो आप ये कह रहे हैं कि इनका समाज के बारे में मुझे का सवाल का जवाब है क्या अनुज जी? पूरे विश्व के सारे जी आप दीपक जी मेरा दुनिया के लाखों डॉक्टरों को आप जानते हैं। जितेंद्र जी मैंने आपको सुना था, मेरी बात सुनिए, जितेंद्र जी मैंने आपको सवाल का जवाब है क्या आपके पास, आप बताइए। इन्होंने पूछा कि भाई हमने पंजे जी आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, पंजे जी लॉजिकली बात कर रहे हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे तो डिबेट का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपने पूरे विश्व को नजरअंदाज कर दिया, आपको प्रतिबंधित किया या नहीं किया, नहीं कर रहे आप। आपके कोई परिवारजन कोरोना से गुजरे हो, अगर गुजरते मेरी बात सुनिए, आपको कोरोना तो आपको पता होता कोरोना क्या होता है। शर्मा लीजिए आपको, आप इतने बेचारे लोग हमारे देश के कोरोना निजी क्षेत्र को क्यों रोका बताइए। अरे आपने कब रोक दिया, निजी क्षेत्र में भी बैठ आरक्षित है, निजी क्षेत्र को अगर रोक नहीं लगाई क्षेत्र के अस्पताल में अलोक जी मेरी बात सुनिए, हमारे दर्शकों के समझ में नहीं आ रही। संजय जी आप दर्शकों को भी देखने दीजिए, केवल संजय जी आलोक जी आपसे निवेदन है कि आप दोनों की बात जब एक साथ होती है तो हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो संजय जी का सवाल था उसके लिए मैं आलोक जी से सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि वो संजय जी की और जो जितेंद्र जी ने सवाल उठाए थे उसका जवाब पहले आलोक जी दें, तो उसके बाद मैं वापस आऊंगा जितेंद्र जी के। देखिए मैं दीपक जी समय की बाध्यता है, मैं संक्षिप्त में अपना जवाब देता हूँ। पहले तो मैं जितेंद्र जी वाली बात का जवाब दे रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि उसके बाद इनकी जरूर कोई प्रश्न आएगा तो वो बाद में आए। देखिए दीपक जी पहले सबसे पहले जो इन्होंने कहा जितेंद्र जी ने इन सेक्टर का ये हाल है वो हाल है, तो फिर आप मानते हैं, ये संजय जी नहीं मानते होंगे लेकिन देश मानता है, पूरा विश्व मानता है कि ये वैश्विक महामारी है। और जब पहला दौर आया था इसका पिछले वर्ष, तो हमारा देश फिर भी जब देखे गए आंकड़े और पूरे आए तो विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ा और ये सबने माना कि मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों ने कंपेयरली और कंपैरिजन में देशों के भारत की स्थिति को सुधारने की कोशिश की थी। मैं ये नहीं कह रहा नुकसान नहीं हुआ, महामारी आई थी, नुकसान हुआ है और उस नुकसान के लिए आघात मुझे भी उतना ही दुख है जितना दीपक जी को, जितना नरेंद्र मोदी को होगा। लेकिन भारत में उसके बाद दोबारा पैकेज भी लाया गया, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, दुनिया भर के पैकेज सरकार ने लागू किए थे। अब ये नहीं है कि आज ही सब कुछ हो गया तो आज आपको दूसरे दिन व्हाइटनेस दिख जाएगी। घर में भी पेंट कराने जाते हैं तो 5 दिन लगते हैं द्वारों को बनने में, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो सरकार के प्रयास अपनी जगह पे, ये मेरा बात हुआ जितेंद्र जी के प्रश्न का जवाब, ऐसा नहीं है कि सरकार आंख मूंद के बैठी है।
सरकार सबके लिए कर रही है, आपने कहा एक सेक्टर आपका शिक्षा का, तो सरकार को आपकी अगर बात है तो मैं आपके विषय को आगे तक और पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद दिल्ली मेरा जाना रहता है, मैं दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपकी बात को मान संजय जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। संजय जी कह रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र जो है मोदी जी का रचा गया। देखिए आप ये देखिए, संजय जी कह रहे हैं पूरे विश्व में, इसका मतलब जो संजय जी चाहे गलत शब्दों में गए लेकिन संजय जी ये बात तो मान गए कि जब पूरा विश्व मानता है कि मोदी की वैश्विक स्वीकारोक्ति हो चुकी है। मैं तो सकारात्मक रूप में बात कर रहा हूँ, मोदी जी की वैश्विक स्वीकार होती है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मोदी का षड्यंत्र है, इनको शर्मा नहीं चाहिए कि जिस व्यक्ति को विश्व स्वीकार रहा है उसको ये भी मान रहा है कि जब विश्व में मोदी जी की वैश्विक, लेकिन संजय जी बीच में संजय जी सुन लीजिए, पूरे विश्व के सारे डॉक्टर आपने बता दिया, आपके सारे डॉक्टर आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके आगे WHO फेल है। संजय जी मैं तो ये नहीं कहूंगा, आप ही है ना लगा लीजिए, पूरे पूरे देश में जनता आपके द्वार पे आ जाएगी, तो फिर मैंने 500 करोड़ की जगह 1600 करोड़ का क्यों खरीदा वो दुनिया को नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब लक्ष्य क्या था आपका? चलिए चलिए, देखिए कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लगातार पिछले साल से आप हम पूरे देश और पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सभी लोग इससे परेशान हैं। और अब इसकी जो दूसरी लहर है वो एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अगर हम दिन भर भी इस पर डिबेट करते रहेंगे तो समय कम पड़ेगा। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या ऐसी स्थिति में चुनाव होने आवश्यक है या नहीं है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि संक्रमण फैलाने में काफी हद तक हम लोगों का भी हाथ है, यानी कि जो राजनेता है उनका भी हाथ उन्होंने माना है। तो क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि वाकई जो चुनाव होते हैं उसमें क्या भीड़ नहीं आती, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश के कोई भी प्रदेश में चुनाव हो रहे हो, वहां के जो आला नेता है वो सब दिन में तो जाकर बड़े बड़े लाखों लोगों को की भीड़ को देखकर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हैं, लेकिन शाम को वही कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो क्या ये उचित है, दिन में आप लाखों लोगों की भीड़ के साथ अपनी स्पीच दे रहे हैं और शाम को आप कह रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी बना के रखिए, ये कितना उचित है? सबसे पहले मैं जितेंद्र जी आपके पास आता हूं, उसके बाद संजय जी और फिर आलोक जी। दीपक जी देखिए, हम सामान्य स्थिति में देखते हैं कि भारत में हर मुद्दे का राजनीतिकरण होता है जी, वो कहीं ना कहीं हम सहन कर लेते हैं, लेकिन किसी बीमारी का राजनीतिकरण जब होता है आती है तो आप यकीन मानिए हम इतना नकारात्मक महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम किस देश के वासी हैं। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं, मुझे अपने आप सहमत हूं आपसे, मैं किस देश का हिस्सा हूं। मैं सहमत हूं आपके इस एक जवाब से, सहमत हूं मैं आपसे, बीमारी का दो पक्ष रहते हैं हमेशा किसी भी समाज में। एक कोरोना की बीमारी को रोकने के लिए मैं सड़क पर जाता हूं, मैं देखता हूं कि 10 में से 6 लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है, बाकी 2 लोगों ने मास्क ठीक से लगा नहीं रखा है। हमारी ये एक पूर्णतया हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बीमारी को रोकने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी कदम हैं, हम उनका पूरे अच्छे से पूरी जिम्मेदारी से हम फॉलो करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर यह निकल के आता है कि जब तक लोगों में इस तरीके की अवेयरनेस नहीं होगी, हम इस बीमारी को कभी भी देश से बाहर भगाने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जितेंद्र जी, अवेयरनेस आप कैसे चाहते हैं? लगातार तो सरकार है, सोशल जो संस्थाएं हैं, आप और जैसे हमारे लोग हैं, वो लगातार तो अवेयरनेस कर ही रहे हैं ना। दीपक जी, दीपक जी देखिए, आप यही बात है, ये मोदी जी का 28 लाख करोड़ का पैकेज जो था वो मेरे तक नहीं पहुंचा, वो वहां से अनाउंस हुआ था। ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम वहां से शुरू होते हैं लेकिन वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। जब तक आम जनता को ये नहीं लगेगा कि हम लोग वास्तव में ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जैसे आलोक जी ने कहा कि जिस घर का कोई मेंबर अगर चला जाता है कोरोना से तो उसे इस बीमारी की गंभीरता को पता होता है, उसे पता है कि इस बीमारी से क्या लॉस होता है। हम जमीनी स्तर पर जब तक चीजों को नहीं संभालिए, हमारी भारत देश की बहुत बहुत लंबी समस्या रही है दीपक जी, कि जमीनी स्तर पर चीजें कुछ और होती हैं, आज हम जो ग्राउंड लेवल पर जो चीजें देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये लोगों में भी किसी तरीके से जो है वो एक अवेयरनेस हो, लोग अपनी जिम्मेदारी समझें
अब जब लोग चालान से बचने के लिए मास्क लगाएंगे तो बताइए बीमारी कहां से रुक सकती है। वो 5 सेकंड में जो है वो मास्क लगाना चाहते हैं चालान से बचने के लिए। तो अपनी जिम्मेदारी से भागना बीमारी को बहुत ही बढ़ावा देना है। तो एक पक्ष तो ये रहा, और जब हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जब हमें ये लग रहा है कि इस बीमारी को रोकने में हमारी मेरी नैतिक जिम्मेदारी तो पूरी है, मैं अपने पूरे तरीके से प्रिकॉशंस ले रहा हूं, तो हम शायद इसको कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक रोकने में जरूर कामयाब होंगे। संजय जी आप बताइए कि इसमें राजनेताओं का कितना दोष, क्योंकि आप खुद एक राष्ट्रीय पार्टी चलाते हैं, आपकी पार्टी है और खुद की आप वाइस प्रेसिडेंट हैं उसके, क्या आपको लगता है कि चुनाव जो है वो जरूरी है, और जो इतनी भीड़ है क्या वो ऑनलाइन कोई ऐसा नेता है जो ये कहे कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन अपना प्रचार प्रसार करूंगा, क्या इतनी भीड़ करनी जरूरी है? और एक फिजिकल फिजिकल जो अपना कन्वेंसिंग होती है उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन मैं एक मुद्दे की बात करता हूं। राजनेताओं का काम है अपना प्रचार प्रसार करना, वो लोगों की भीड़ जुटाते हैं तो कोई जबरदस्ती तो करते नहीं कि आप भीड़ में आइए और कोरोना से जो इन्फेक्टेड हुए लोग सोचे जाते हैं वहां पे, ठीक है, और कोरोना से इन्फेक्टेड होते या नहीं होते सेकेंडरी आप जो है, लेकिन वो लिबर्टी का मामला है, नेताओं की लिबर्टी है कि वो जो है मीटिंग करें वो रैली करें, लेकिन उनका जो दोगला तत्चरित्र है, एक तरफ तो आप लाख आदमी की रैली कर रहे हैं, अमित शाह मास्क नहीं लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मास्क को कान से लटका रहे हैं, आप समझिए दोगला चरित्र देखिए आप उनका, और घर पे जाते कहते हैं साहब 2 गज की जरूरी है डिस्टेंस और सख्ती बरती जाएगी, पहले अपने ऊपर तो सख्ती बरती आप अपने गृहमंत्री को तो बोलिए कि मास्क लगा के क्यों नहीं घूमता भाई, अपने आप को तो देखिए आईने में या आपने कान पे मास्क कैसे लटका रखा है दूसरे की तरह, ये कौन सा तरीका है? मैं उनके रैली करने के अधिकार का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके दोगले चरित्र का विरोध करता हूं। मैं कल मरकज वालों के साथ भी था, आज मैं जो है कुंभ मेले वालों के साथ भी हूँ और इन रैली वालों के साथ भी हूँ, क्योंकि लिबर्टी मैटर्स, आप समझिए बात को, कोरोना क्या है क्या नहीं है उसमें से नहीं जाता, लेकिन उनकी आजादी और उनके अधिकार उनका मैं प्रबल समर्थक हूँ और किसी भी हद तक मैं उनका समर्थन करता हूँ। कोरोना जितना भी भयावह हो जाए, लेकिन आप एक चीज और बताता हूँ, जैसे आलोक जी कह रहे हैं और जितेंद्र जी कह रहे हैं कि आम आदमी क्या बेवकूफ है क्या, आप कह रहे हैं कि वो बिना मास्क लगाए घूम रहा है, उसे पता है कि कोरोना महामारी नहीं है, वो उससे वो आपसे ज्यादा जानता है, क्योंकि वो आपके मीडिया से प्रभावित नहीं है, आप इसको समझिए, वो 6 मंजिल से तो नहीं कूदता, उसे पता है मौत होगी होगी तय, आप इसको समझिए, आम आदमी को बेवकूफ बिल्कुल आपने अव्वल दर्जे का उसको बेवकूफ घोषित कर दिया कि वो अवेयर नहीं है, वो जो है जागरूक नहीं है। आप मास्क लगाते हैं नहीं लगाते संजय जी? मैं नहीं लगाता, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं नहीं रखते? मैं कभी मास्क नहीं लगाता हूं, चालान से बचने के लिए मास्क लगाता हूं। संजय जी को कह देता हूँ, संजय जी मास्क नहीं लगाते होंगे, संजय जी ठीक है, संजय जी की कोई भरोसा, संजय जी नंबर सुन लीजिए, संजय जी आप सुन लीजिए, दूसरे ने भी तो सुना है आपको, हाँ तो आप सुन लीजिए, आलोक जी, आलोक जी को जवाब देने दीजिए। संजय जी ने देखिए, संजय जी ने कहा, संजय जी पूरा सुनना, बीच में मत टोकना, मैंने भी सुना है, संजय जी आपने कहा कि मैं मास्क ले आता था, आप जैसे लोगों के लिए है ना कोरोना जो है ना इतना फैली इस कारण से रहा है कि जो इस तरह की सोच रख के चलते हैं ना, आज जो हालत हुई है ना कोरोना की, आप मास्क नहीं लगाते, ठीक है, आपने अभी बताया कि आपके तो इतने डॉक्टर जानकार है पूरे विश्व के, हो सकता है आपकी हमराज से भी दोस्ती हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ इस बात को, है ना, आप नहीं लगाते, मुझ जैसे आदमी को तो बहुत डर लगता है, मैं आज भी यहाँ बैठा हूँ मास्क है ना, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि मैं हमेशा 3 मास्क लगा के चलता हूँ, एक नहीं, हो सकता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो ज्यादा भयभीत आदमी हूँ, मैं 3 मास्क रखता हूँ, एक नहीं रखता। अब आप सुन लीजिए, आप आगे सुनिए, देखिए आपने अभी कहा कि अमित शाह मास्क नहीं लगाते, नरेंद्र मोदी काम पे मास्क लगाते हैं, तो अभी आप और मैं भी मेरा मास्क बैठा हूँ, आप भी, जब अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी के आप नजदीक जाएंगे ना, मास्क में 2 गज दूरी मास्क जरूरी पूरा आप सुनेंगे, तो वो दूरी पे अगर उनसे कोई 2 गज के नजदीक रहता है तो कभी मोदी बिना मास्क के नहीं रहते हैं, अमित शाह बिना मास्क के नहीं रहते हैं, ध्यान रखना आप, है ना, सुनना और देखना आप, देखिए आप चाहेंगे ना फोटो नहीं होता, मैं आपको डायरेक्ट देखो, आप तो फोटो भेजते होंगे, मैं सीधा लगे देखता हूँ, 50 आदमी खड़े हैं बिल्कुल, फोटो में तो जाना कैसे क्या बन जाता है, फोटो तो मैं आपकी अभी सेल्फी के काउंटर लगे हुए हैं, जब दूर से देखोगे ना ये लगता है मोदी जी के साथ खींची हुई है। दीपक जी फोटो के लिए तो इनको बताया कि साढ़ा के अंदर में जाके आया चुनाव में, साढ़ा विधानसभा में जाके आया हमारे ही कार्यालय पे, सेल्फी विद मोदी का काउंटर है, और फोटो जब खिंच के आती है तो वो यही लगता है कि वो फोटो मोदी जी बगल में खड़े हुए हैं, तो फोटो पे मत जाइए आप, और आपको प्रेस देखना है तो मैं
भैया मैं मोदी जी को मतलब ये हुआ ना, मैंने तो कभी नहीं कहा फर्जी होते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा फोटोशॉप करा के फोटो लगाते हैं। नहीं फोटोशॉप आप जैसे लोग कह रहे हो ना कि मैं नजदीकी फोटो फर्जी लोग बनाते हैं, जो नजदीकी फोटो बनाते हैं ना मास्क के भीड़ दिखाते हैं वो फर्जी लोग बनाते हैं आप जैसे एक हमारे दीपक जी, संजय जी अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं, ये बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो मेरी संजय जी से रिक्वेस्ट है कि इस बात को प्लीज आप थोड़ा सा सोचें, आप बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और इसमें जितेंद्र जी मुझे तो लग रहा है कि कोरोना के नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं रोज नए, भगवान नहीं करे, संजय जी अपने सीनियर है मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या पता चेक करा लें कि ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपसे संजय गांधी को कभी चुका है, मुझे हो चुका है, मेरे परिवार में सबको, मैं वही सर आपको मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कोई नया सिम्टम नहीं है। संजय जी जब आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपका सम्मान परिवार बड़े आपको चाहता हूँ है कि वो कम से कम कोरोना से बचे। आपने मास्क नहीं पहना, आपके परिवार के लोगों ने नहीं पहना, उन सबको कोरोना हो गया, तो हम नहीं चाहते कि आप जैसे और भी लोगों को कोरोना, आप और पूरा परिवार स्वस्थ रहे, हम यही कामना करते हैं पूरा देश और पूरा विश्व जो है वो स्वस्थ रहे और दो गज की दूरी बना के रखे और मास्क जरूर लगाए। मैं यहाँ पर कुछ लोग अलग अलग सवाल कर रहे हैं, इसमें एक सवाल ये भी आया है सुरेंद्र कुमार जी का है, सुरेंद्र कुमार जी जयपुर से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या राजनेताओं के कारण देश का आम आदमी परेशान हो रहा है। जितेंद्र जी बिल्कुल, मैं इस बात में कोई दो मत नहीं है दीपक जी, कि भारत के राजनेता अगर चाहते और अगर चाहते हैं तो आप इस बात का सारी दुनिया गवाह है कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भारत हमेशा छूता रहा है दीपक जी। अगर विश्व में 2007 में मंदी आई तो भारत ने उस मंदी की तरफ देखा भी नहीं, वो मंदी भारत को छू भी नहीं पाई, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, युद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए, भारत हमेशा उभर कर उन विपरीत परिस्थितियों में से निकल कर आता है और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर कर आता है। लेकिन मैंने क्या कहा, आप ये देखिए दीपक जी, मैंने कहा कि ये घाव हमारे अपने लोगों के दिए हुए हैं, हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें जो है उनका ध्यान नहीं जा रहा है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। हाँ, तो मेरे ख्याल से वहीं पर ही ये दिक्कत है, राजनेताओं की दिक्कत है, बाकायदा दिक्कत है, और हम शुरू से बहुत बहुत लंबी समस्या है भारत की ये, कि भारत में हमेशा ही जो राजनेता रहे हैं तो वो समस्या अब बहुत ही गहरे तरीके से चुनकी आई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि राजनेता पूर्ण तरीके से इसमें जिम्मेदार हैं, अगर वो चाहते, अगर उनके पास में कोई रणनीति होती, अगर उनके पास में कोई प्लान होता तो निश्चित रूप से अभी हम कोरोना भारत फ्री होता। और शायद आप इस बात को ध्यान रखें, अगर फरवरी में राहुल गांधी के ट्वीट को, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट को अगर गंभीरता से ले लिया गया होता, अगर एयरपोर्ट्स पर पहले से सावधानी बरती होती तो भारत को कोरोना छू नहीं पाता जी संजय जी। राजनीति के चलते हुए इस बीमारी का पूर्णतः राजनीतिकरण भी हुआ है। जितेंद्र जी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि जमीनी स्तर पर नहीं आती है, जिम्मेदार कौन, आपने कहा था कि बनती है, मैं आपकी बात से, मैंने बीच में ये भी कहा था कि मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से। तो देखिए हर चीज ठीक है, आज मोदी जी को मान लो कुछ बनाते हैं तो अकेला मोदी हर जगह पे हम मानते हैं, लेकिन मोदी के रूप में कहीं, अभी हमने संजय जी को सुना, आप समझ सकते हैं जमीनी स्तर पर अगर कोई चीज नहीं लागू हो पा रही तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं, अभी संजय जी को हमने सुना, अब इससे क्या प्रचारित होता है, तो जिम्मेदार हम ही है। अगर जमीनी स्तर पर नहीं आ रही, मैं हूं या मेरा कोई भाई है, मेरा ही जैसा कोई और है, जब तक हम पहली जिम्मेदारी खुद की नहीं लेंगे ना, तो इन महामारियों से इनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं इस बात भी सहमत हूँ कि भीड़ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कि सब नेता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे, हैं तो आप पे और मेरे में से ही, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, नेता भी हम में से ही बनता है कोई ना कोई जाके। और कुछ लोग जैसे सामाजिक, तो सबसे बड़ी बात है कि आज समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, नेता से लेकर
उस अभिनेता की भी और उस अंतिम व्यक्ति की भी समाज के बैठे हुए तो अंतोदय की हम बातें करते हैं। दीपक जी समय ऐसा आ गया है कि अब निजी हित लाभ कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ठीक है इसकी आड़ में हम सब कुछ कर लेंगे बटोर लेंगे, लेकिन उस बटोर के रखोगे क्या? आज मेरे पास कुछ भी हो मजा जब आता है जब 10 आदमी देखने वाले मौजूद होते हैं कि नहीं यार ये आदमी अपने साथ ही रह जाएगा। कितने लोग बटोर रहे हैं इसीलिए तो दीपक जी मैं वही तो कह रहा हूँ कुछ लोग जो बटोरने की कोशिश करते हैं ना कोई भी हो, मैं राजनीति से ऊपर जा रहा हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी की बात मैंने आपसे करूंगा तो मैं सब लोगों को मेरा ही संदेश है कि मैं कहीं ना कहीं डिफॉल्टर नेता का भी है ऐसा नहीं कर रहा। और मैं सभी दलों में हो सकता है ये चीजें आप देखते हैं रोज ही हम देख रहे हैं आप जैसे पत्रकार रोज ही लिख रहे हैं। कल ही फोटो दिखाई आपने राजस्थान के परिवहन मंत्री की साहब वो आगे तो मास्क लगे हुए पीछे नहीं है। मैं एक दल की बात नहीं कर रहा सब दलों के लोग हैं मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को तो मैं एक मानव के नाते कहूंगा देश की आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। हमें देश के लिए सोचना होगा हमें देश बचेगा हम बचेंगे तो आगे चलती रहेंगी चीजें। देश बचेगा हम बचेगा तो धंधे भी चलेंगे नेतागिरी भी चलेगी सब चीजें चलेगी। तो अभी इन सब चीजों से उठकर हम लोग एकमत होकर इस पर आए कि हमें अपने आप को बचाना है मेरे भाई को बचाना है पड़ोसी को बचाना है कोई दुश्मन नहीं है सब अपने हैं ये सोचकर चलेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। लेकिन आप बचा भी समय पाएंगे जब आप खुद इन चीजों की पालना करेंगे आप खुद समय रहते इसकी गाइडलाइन जो है उसकी पालना करेंगे इस सिटी लाइन के माध्यम से भी बचा सकते हैं। संजय जी समय की देखिए बहुत पालना जरूरी होती है समय भी मास्क लगा लिया लेकिन चलने से पहले मैं आप सभी से कमेंट लेना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि कोरोना को किस तरह खत्म होना चाहिए आपके क्या सजेशंस हैं ताकि हम आपकी बात को सरकार के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकें। सबसे पहले जितेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि किस तरह हम इस लिए आगे काम करें। आज जो मेरा विचार अभी इस वक्त जो मेरा विचार है वो विचार इतना सा है दीपक जी कि लोगों को हाथ से हाथ मिला के एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी ताकतवर को कमजोर की मदद करनी पड़ेगी और इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं है। मैं अगर कमजोर हूं तो मुझे अपने से ज्यादा कमजोर की मदद करके खुद ताकतवर बन के लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जब हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी इस मुश्किल स्थिति से उभरा जाएगा दीपक जी, वरना कोई सूरत नहीं है कि हम इस बीमारी से उभर पाए या इस मुश्किल वक्त को हम लोग पार कर पाए। सिर्फ हम लोगों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा एक दूसरे की दिक्कतें समझनी पड़ेंगी और समाज का जो ताकतवर वर्ग है मेरे ख्याल से उसे जरूर आगे आना चाहिए और बिना सरकारों के निमंत्रण के। सरकार कभी किसी को निमंत्रण नहीं देगी कि आप आगे आइए। आप अच्छे लोगों को ताकतवर लोगों को समाज के ताकतवर लोगों को आगे आना चाहिए और इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि ये वक्त हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर याद रखेंगी। इस वक्त को अगर हमने एक दूसरे के सहयोग से नहीं एक दूसरे का सहयोग नहीं किया तो हम कभी भी अपने आप को भुला नहीं पाएंगे। जी संजय जी आप अपने विचार दीजिए। सर मेरा तो स्पष्ट मत है इस बारे में और मैं बड़ी अच्छे से रीजनिंग पे भरोसा करता हूँ। लोगों की भावनाओं में कभी बहता नहीं। जी कई बार ऐसा होता है कि लोगों की दिशा एक तरफ होती है मेरी अलग हो जाती है, बड़ा नेचुरल होता है ऐसा। आज भी ऐसा ही मुझे सीन नजर आ रहा है कि जितेंद्र जी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे मोदी जी भी उसी डायरेक्शन में है, हमारे राहुल जी भी उसी डायरेक्शन में है, हमारे आलोक जी तो खैर होंगे ही ऑलरेडी। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है संजय गर्ग किस डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन एक ही है, गुलामी की तरफ डायरेक्शन है सर। ये डायरेक्शन आपको लीड करता है गुलामी की तरफ ले जाने के लिए। आप इसका प्रभाव आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को। मैं कह रहा हूं आप लॉकडाउन उठा दी थी। लॉकडाउन इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप लॉकडाउन कर क्यों रहे? आपके लॉकडाउन से ज्यादा जो है कोरोना कम हो रहा है। आपके लॉकडाउन से सिम्पटम भी लागू हो गया है। आपके लॉकडाउन से सारा आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई। लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। लोगों की जो है इतनी मौतें हो गई, अनगिनत मौतें। आप अगर कोरोना के आंकड़े देखेंगे ना, कोरोना से जितनी मौतें हुई है एक्चुअल कोरोना से उससे 10 गुना इनकी मिसमैनेजमेंट से मौतें। ये आंकड़े हैं सर। इस आंकड़ों को क्यों नहीं दिखा रहे? बोला नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? बोला जब आंकड़े दिखा नहीं रहे तो आपके पास कहां से आ गए? आपको सुन के बेचारे वैसे और भ्रमित हो जाएंगे। संजय जी को संजय जी जैसे लोगों से लोग बचे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक आप नजर आ रहे हैं। लग रहा है कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। आप 73 कंट्रियों ने भाग लिया था, 73 देशों में भाग लिया था। ये जानते होंगे हमारे जितेंद्र जी जानते होंगे। एक बच्चों का पीटा टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स की एबिलिटी का टेस्ट होता है पीटा टेस्ट। 73 देशों में भाग लिया था जिसमें हिंदुस्तान का नंबर आया था 72वां।
तो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला इस टेस्ट को आगे से बंद कर दो, बजाय इसके कि आप अपना एजुकेशन सिस्टम में सुधार ला दिए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे टेस्ट मत कराओ जो हमारे देश की जो क्षमता को रिवील करते हैं, लोगों को पता लग जाएगा ऐसे तो भाई हमारा स्टैंडर्ड क्या है। इनका शिक्षा से बहुत बड़ी दुश्मनी। अरे भाई संजय जी, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आज किसी देश की आईटी की ताकत है तो हिंदुस्तान का व्यक्ति है, किसी का भी वैज्ञानिक ताकत है तो वो हिंदुस्तान फलाना ठिकाना, इनको सबको इन्होंने देशद्रोही करार दे दिया, वहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं सारे देशद्रोही करार दे दिए इन्होंने। संजय जी कहीं चंद्रमा पर रहने की तैयारी आपने भी कर ली गई। चलिए संजय जी ठीक है, आपके अपने विचार है, सिटी लाइव के माध्यम से जो भी हमारे मेहमान हैं उनके वो स्वयं के विचार हैं, वो अपने विचार खुले मंच पर रख सकते हैं, सिटी लाइव के माध्यम से रख सकते हैं, इससे सिटी लाइव का कोई लेना देना नहीं है, उनके व्यक्तिगत विचार धारा है, उनकी खुद की विचार है ये। आलोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस महामारी के, इस कोरोना के बारे में। देखिए दीपक जी संक्षेप में, बाकी सब चीजें दर्शक अपने आप समझ चुके हैं आज की इस डिबेट से कि कोरोना का रूप क्या क्या नए नए रूप बदलते हैं, ये भी दर्शकों को देख चुके हैं, है ना। इन्हीं संजय जी को पहले कभी सुना करते थे और आज सुना, है ना, वो सब चीजें देखा और ये खुद बता रहे हैं कि कोरोना से ये ऑलरेडी पास अवे हो चुके हैं, तो पता नहीं अब ये कौन सा नया ये सिम्टम है। मैं ये नहीं कहूंगा मैं इनकी आलोचना, मैं तो चाहता हूँ ये बड़े भाई हैं, खुश रहे हैं, स्वस्थ रहे, लेकिन चिंता तो होती है ना देख के इतने सारे डॉक्टरों के सभी मिलना। आज सबसे बड़ी बात है जैसा भी जितेंद्र जी ने कहा था वही बहुत बड़ी चीज, मैं जितेंद्र से भाई से सहमत हूँ, कुछ चीजों में मेरे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आदमी अच्छा बोलता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह समय आ गया है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें, एक दूसरे का सहयोग करें, और ये जो भावना है ये हमारी सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम आज से नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम सदियों पहले अगर कोई आया था तो वसुदेव कुटुंबकम की आज जरूरत आनी पड़ी है, है ना, और इस तरह के। लेकिन इसमें यह भी सोचना पड़ेगा कि संजय जी जैसे लोगों को कम से कम और कुछ नहीं तो इनका मतलब ऐसे लोगों में तो लॉकडाउन आवश्यक होना ही चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि वैसे ही जनता पीड़ित है, जब सुनेगी तो बेचारे और खत्म हो जाएगी, तो या तो लॉकडाउन अगर नहीं है, देखिए तो अपने विचार है इसमें, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, सभी लोगों नहीं, मैं पाबंदी नहीं कर रहा, मैंने फिर कहा कि पाबंदी की बात मैंने नहीं करी, मैं इनका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगा हो सकता है ये, देखिए साहब मैंने क्या कहा, ये कोरोना का दूसरा इफेक्ट हो सकता है, कोरोना के पोस्ट साइड इफेक्ट कोई नहीं जानता, रोज नए लक्षण आ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं ऐसा भी कह रहे हैं, तो मैं तो संजय जी यही निवेदन करूंगा, आप नहीं तो आप आए तो मैं तो जा रहा हूँ आपका भी एक आरटीपीसीआर टेस्ट करवा दिया जाए, मैं खुद रघु शर्मा जी को रिक्वेस्ट कर दूंगा आज ही, क्या इंसानियत और ह्यूमैनिटी के नाते कि भेजें और इनका तो आरटीपीसीआर करवा लें, हमारे जो जनता इस समय दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनके मन में भी कोई विचार हो, कोई बात हो या किसी विषय पर वो चाहते हैं कि हम डिबेट करें तो उनका स्वागत है, वो नीचे जो बॉक्स है मैसेज बॉक्स है उसमें अपने विचार लिख सकते हैं और वो विषय भी लिख सकते हैं कि किस विषय पर हमको चर्चा आगे आने वाले दिनों में करते रहना चाहिए। हम सभी से ये निवेदन करेंगे जो भी इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी आपकी शुभता के बारे में सोचते हैं, सभी आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो प्लीज प्लीज आप सभी कोरोना के जो गाइडलाइंस है चाहे वो WHO की तरफ से हो चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से हो, आप सभी को उसकी पालना करनी है, क्योंकि ये दूसरी लहर एक बार फिर खतरनाक है और समय रहते हुए आपको वैक्सीन भी लगानी है और मास्क जरूरी है और दो गज की दीपक जी लगा लिया आपके, दीपक जी आपके आदेश की पालना करते हुए मास्क लगा लिया, आपका धन्यवाद देना चाहूंगा जितेंद्र जी आपका और संजय गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत तीनों का शुक्रिया कार्यक्रम में आए, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद सर। A platform to sharing your thoughts.